ये आज के 2000 का जो आइडिया है ना, ये गुजरात गैस से अभी भी आया है। जिसने आपने गुजरात गैस का सवाल आशीष जी को पूछा, वहाँ से एक आइडिया आया मुझे। तो फिर आज के 2000 के लिए, एक मिनट को पहले मैं प्राइस देख लेता हूँ ताकि मैं बता सकूँ किस भाव में आपको एंट्री करनी है। FNO का स्टॉक है, वायदा कारोबार का, 97.50 रुपये इस वक्त चल रहा है, 97.50। और ये है GSFC। GSFC में खरीदारी करने की राय, वजह क्या है? देखिए, जीएसएफसी के पास हिस्सेदारी है 7% गुजरात गैस की। अच्छा, हाँ, तो गुजरात गैस भाग रहा है, अगर 2 दिन में भागा, और किस में खैर स्टॉक स्प्लिट पर है ना, 3 नवंबर नवंबर को को। बैठक है। हाँ, एक वो भाग रहा है, एक स्टॉक और देखिए जो तेजी से भाग रहा है, वो है गुजरात अल्कलीज। गुजरात अल्कलीज में भी इनके पास स्टेक है। अच्छा, तीसरा स्टॉक एक और भाग रहा है, वो GNFC है। वहाँ भी स्टेक है। जीएनएफसी में क्या 20% के आसपास की स्टेक है जीएसएफसी के पास। तो ढेर सारे इनके पास इन्वेस्टमेंट्स है गुजरात की कंपनियों में, और अगर स्टॉक में फिर इस तरह का एक्शन है तो क्या कहना। तो गुजरात गैस का एकदम ट्रिगर मुझे याद आया कि हाँ ये है, तो इस हिसाब से बन सकता है। दूसरा, फर्टिलाइजर स्टॉक्स, केमिकल स्टॉक्स वैसे भी बहुत मजबूत है ग्लोबली। केमिकल स्टॉक्स में बड़ी तेजी बन रही है। जो इनका वो कौन सा प्रोडक्ट, बेंजिन, बेंजिन कुछ, उसका स्प्रेड 1300 तक पहुंच गया, जो हाईएस्ट एवर है। देखो, स्टॉक चले नहीं चले एक अलग चीज है, लेकिन फंडामेंटली एक बात कह सकता हूँ, इस बार फिर से जीएसएफसी के जो रिजल्ट्स होंगे ना, वो अच्छे इनका होंगे। इतिहास में अब तक का सबसे बेस्ट क्वार्टर आएगा प्रॉफिट के लिहाज से। अब वो अलग बात है, स्टॉक 125 130 से गट गट के 90 100 रुपये कहाँ कहाँ हो गया। तो मार्केट के मूड के साथ सब बढ़ते हैं, सब घटते हैं, लेकिन फंडामेंटली कंपनी में कहीं कोई समस्या नहीं है, बेहतरीन है, और रिजल्ट्स भी बेहद शानदार आएंगे। जीएसएफसी जिन जिन के 2000 रुपये बनते जाए आप लेते जाएं। और स्टॉप लॉस टारगेट एक बार मैं साफ तौर पर बता दूं कुणाल जी से पूछ के। कुणाल जी, जीएसएफसी के लिए स्टॉप लॉस और टारगेट बता दीजिए। अनिल जी, आपने बोलना शुरू किया था तभी 97.50 रुपये मैं पचास इसलिए पैसे पहले चल भाव रहा बता था, देता डेढ़ हूँ। रुपए आपके बोलने के बाद ये बढ़ गया है, और 150 रुपए में 4500 का खरीदा। थोड़ा ऐसा थोड़ी, 97.50 में ही खरीदा होगा, और 99.98 में भी खरीदा, तो हाँ, मुझे 1 रुपया मिल एकदम गया। टॉप में खरीद के 4500 टॉप में रुपए थोड़ी बनते बेच हैं, पाते हैं। 4500 का लॉट है। हाँ, मुझे लगता है कि डेफिनेटली इसमें और ऊपर के लेवल्स आते हुए दिखाई देंगे। रेजिस्टेंस जो चार्ट पे है वो 100 रुपए के आसपास है, 100, और 9870 का भाव है, तो 1 रुपए की तेजी की गुंजाइश और है। जिनके 2000 बन गए उनको निकल जाना चाहिए, और स्टॉप लॉस जरूर रखना चाहिए। स्टॉप लॉस 96.50 रुपए पर अब रखना चाहिए। लेकिन 100 के ऊपर है बढ़िया एक्शन जो है। 100 रुपए पार होगा तो अनिल जी फिर 110 112 के लेवल आएंगे। ओके, 110 112, 100 के ऊपर बंद होना जरूरी, इसी पर नजर रखिए। जिस दिन 100 के ऊपर बंद हो गया फिर ये हाथ में नहीं आएगा, क्योंकि अब आगे रिजल्ट आने वाले हैं, है ना। तो रिजल्ट सीजन के पहले आपको वो स्टॉक, देखिए मार्केट ऊपर नीचे हो सकता है वो आपके हाथ में नहीं है, लेकिन कंपनी का रिजल्ट आपको पता होना चाहिए कि अच्छा आएगा या खराब आएगा। जब आपको पता है कि कंपनी का रिजल्ट अच्छा आने वाला है तो बिल्कुल निश्चिंत रहें, फिर यहाँ पर रिस्क नीचे के आपके लिए कम हो जाती है, इस पर फोकस कर लीजिए। और इस बीच BTSC कॉल्स भी आ रही है, उससे पहले एक स्टॉक आप दोनों से पूछना जरूरी है जिसके ऊपर बड़ी चर्चाएं होती है, L&T फाइनेंस एक्शन में आ रहा है स्टॉक फिर से, और कल बोल के गए थे ना आशु सर, कल बोल, देखिए धीरे धीरे बढ़ रहा है, कैसे कर लेते हैं जो पूछ रहे 3% स्टॉक मजबूत है, नहीं 3% ओपन इंटरेस्ट बढ़ा है, स्टॉक 1% मजबूत है, 8.5 लाख शेयरों का ओपन इंटरेस्ट में इजाफा हो रहा है। फ्रेश खरीदारी करेंगे कुणाल जी? अनिल जी, 133.60 रुपए के ऊपर फ्यूचर में नई खरीदारी करनी चाहिए। 133 रुपए पर अभी चल रहा है, तो 60 पैसे और आ जाने दीजिए, और 2-4 मिनट उसके ऊपर टिक जाए तो खरीदें। तब मुझे लगता है कि 140 तक का मोमेंटम इस काउंटर में बनेगा। और आपने बात की आशु जी की, तो अनिल जी कल हमने स्टेट बैंक पर खरीद की राय दी थी और आशु जी के विपरीत दी थी, और उसमें आज हमारा पहला टारगेट हासिल हो गया, 267 चल रहा है 1% ऊपर। तो मतलब आप SBI और L&T फाइनेंस दोनों में आशु सर को गलत करने पे एकदम पूरी जोर से लगे हो। प्रयास तो जारी है, प्रयास जारी है। बंसल जी, सफलता मिलेगी? अनिल जी, सफलता तो मिल रही है, आप देखिए कल फेडरल बैंक भी, अनिल जी हम लोगों ने दिया था, इसलिए बोल रहा हूँ कि आपको सुबह सुबह ध्यान था कि हमने कल 3-4 दिए थे। फेडरल बैंक जहाँ पर नतीजों की एक्सपेक्टेशन कमजोर है वो स्टॉक भी ऊपर है, HDFC बैंक भी चल रहा है, मदरसन सुमी भी चल रहा है, तो जितनी भी BTST दी है वहां पर व्यूअर्स का अच्छा पैसा बन रहा है। बताइए, बाय 164.50 रुपए, थोड़ा सा बढ़ गया भाव दूसरों को मौका देने के चक्कर में, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, अभी भी बढ़ेगा। CMP 164.50 फ्यूचर्स का स्टॉक है, DCB बैंक, आपका भी सेम था?
अनिल जी सुबह देखा था मैंने, सुबह तो मैंने एसीसी भी देखा था सेक्टर भी दिया था लेकिन मिस हो गया, कोई बात नहीं। लेकिन डीसीबी बैंक यहाँ खरीदारी करने के इरादे क्यों है? दो वजह। पहले तो ये बता दूं आपको कि कल आने वाले रिजल्ट डीसीबी बैंक के, और जिस तरह से प्राइवेट बैंक्स के रिजल्ट आ रहे हैं, चाहे आप वो इंडसइंड देख लें, चाहे आप साउथ इंडियन बैंक देख लें, और चाहे आज फेडरल आएगा वो देख लीजिएगा, डीसीबी बैंक कल दमदार रिजल्ट पेश करेगा। सबसे बढ़िया बात डीसीबी बैंक में जो मुझे लगती है, जिसकी वजह से मैं इसके रिजल्ट को लेकर बिल्कुल भी दुखी, परेशान, हैरान, नर्वस नहीं हूँ, न तो इन्होंने कुछ आईएलएफएस को कभी दिया है, न डीएचएफएल को कुछ दिया है, तो मतलब पैसे सेफ है इनके। तो डीएचएफएल और आईएलएफएस दो इंस्टीट्यूशन में अगर इनका एक्सपोजर नहीं है तो फिर चिंता की बात क्या है? तो फिर ऐसे एसेट क्वालिटी खराब होगी नहीं, पॉइंट नंबर वन। दूसरा, ओपन इंटरेस्ट शानदार तरीके से बढ़ रहा है, हालांकि ऐसा नहीं कि डीसीबी में बढ़ रहा है, बाकी बैंकों में भी बढ़ रहा है, यहाँ पर भी ओपन इंटरेस्ट में लगभग मेरे ख्याल से 4% के आसपास की बढ़त ओपन इंटरेस्ट में होती हुई दिख रही। तो मुझे लगता है कि रिजल्ट तक ये 170-172 पहला टारगेट रखना चाहिए, 175 के आसपास का दूसरा टारगेट रखना चाहिए। आज का लो क्या है वो देख लिया जाए तो उस हिसाब से स्टॉप लॉस लगाकर यहाँ पर तेजी की जा सकती है। यहाँ 162 के आसपास का लो है, या तो वो या फिर कोई सूटेबल स्टॉप लॉस, कुणाल जी आप बता दो। अनिल जी देखिए 163 रुपए पर स्टॉप लॉस, 163 पे स्टॉप लॉस टारगेट, टारगेट 168.50 पहला टारगेट होगा, 168.50 रुपए, उसके बाद तो 175 का लेवल, 175 उसके बाद है। अच्छा, और लॉट साइज क्या है कि 2000 रुपए कब बनेंगे इसमें? अनिल जी मुझे लगता है बन गए होंगे, मैं एक बार लॉट साइज 164.50 वही तो मैं तो सील लगवाता नहीं, मुझे ऐसे ही कंफर्म करवाना पड़ता है पूछ के आप लोगों से, है ना, 164.50 से गिनिएगा जरा। है इसलिए मैंने आजकल सिस्टम नया बना लिया है, प्राइस पहले बता दो सीएम पे, ताकि 4500 का लॉट है, 4500 का लॉट है, ठीक है, यानी तो ठीक है, एक रुपया भी बढ़ता तो आपके नहीं, ज्यादा बढ़ा क्योंकि एक भी बढ़ जाता 2000, चलिए 2 रुपए, तो जिनके 2000 बन जाए वो संतोष करके निकल जाए। जो एफएनओ ट्रेडर है वो 163 का स्टॉप लॉस रखें, 168.50 पहला टारगेट है और 175 दूसरा टारगेट, ये आपके लिए डीसीबी। तो डीसी बैंक में 2000 रुपए की आपकी कमाई डेफिनेटली हुई होगी, अभी के लिए जो टारगेट है वो 168.50 के हैं, 163 का रखिए स्टॉप लॉस, 166.80 पर ये कर रहा है कारोबार, तो एक्शन अच्छा बना है डीसीबी बैंक में। लेकिन एसीसी के बाद अगर आप पूरे सीमेंट को देखेंगे तो जोरदार तेजी बनी हुई है, तो चार्ट कॉर्नर है, रुक करते हैं, कितने हो गए, बजाज फाइनेंस, एसीसी, बैंक निफ्टी, तीन हुए हैं, इसमें कोई वो लगाओ, जगह तो बनाओ सर, कोई टारगेट वारगेट है? देखिए जो बैंक निफ्टी है वो तो आपके क्षेत्र में हमने घुसपैठ की है, अच्छा उसको ओके, तो उसको आप आज माफ इग्नोर करें चलिए ठीक है सर, बताइए इसका मतलब ये कि